नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पर संदीप में। दोस्तों, आज DLED 4th सेमेस्टर का पेपर 1 था, आरंभिक स्तर पर भाषा गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। तो इसमें जो आज प्रश्न पत्र आया था, इस प्रश्न पत्र को आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें और ये जान सकें कि इस पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये इसका क्या सही आंसर होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कुल मिलाकर 25 होते हैं, का से लेकर मा तक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 या। अगला प्रश्न है, शा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। तो शा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। तीसरा है, ग्या वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अ और अह वर्ण क्या कहलाते हैं? केवल स्वर, केवल व्यंजन, उत्क्षिप्त या फिर अयोगवा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अयोगवा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, साइलेंट वर्णों का प्रयोग होता है किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। आगे देखिए, यहाँ पर जो 6ठा प्रश्न है, महाप्राण वर्ण होते हैं, तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? ये जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा खा और घा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए, संज्ञा शब्द होते हैं कौन से होते हैं? विकारी, अविकारी, यौगिक या फिर योगरूढ़। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कर्म, कर्त और भाववाच्य। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। प्रश्न संख्या 11 है, संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना व तुलना करना, एक और दो दोनों। संबोध का निर्माण कब होता है? जब हम किसी चीज़ का पहले से जानकारी ले चुके होते हैं और किसी अन्य चीज़ की जब उससे मिलान करते हैं या तुलना करते हैं, तो क्या होता है? संबोध का निर्माण होता है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 12 यहाँ है, संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण। जब तक हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे तब तक हम संबोध निर्माण नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 13, 65, 342 में 78443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हज़ार वाली संख्या कौन सी होगी? आप जब इसको जोड़ेंगे तो जो उसकी हज़ार वाली संख्या आएगी वो आएगी 3, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल व शेषफल निम्न में से क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 933 और शेषफल बचेगा 3। प्रश्न संख्या 15, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,796, दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है, तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? इन दोनों को आपको घटा देना है और इसमें ये पता चल जाएगा कि कितनी आय अधिक है। तो इसका उत्तर आएगा 1,51,037, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर पढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। भाषाई कौशल के प्रकार लिखो, तो भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुलेख का महत्व लिखिए, तो सुलेख क्या होता है? सुलेख होता है सुंदर लेखन, तो सुंदर लेखन हर किसी को आकर्षित करता है। सुलेख का महत्व एक तो ये हो गया, और ये भी कह सकते हैं कि जो सुंदर लेख होता है वो सभी की समझ में आसानी से आ जाता है। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियाँ लिखिए, तो शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियाँ देख लीजिए, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है उच्चारण शिक्षण की विधियाँ, विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए, उच्चारण की प्रतियोगिता कराई जाए, भाषण एवं संवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाए, बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। बालक जो होता है वो अनुकरण से भाषा सीखता है, अतः शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क में बालक को रखना चाहिए। अध्यापक कक्षा में शुद्ध भाषा का उच्चारण करें। इस तरह ये आपके शुद्ध उच्चारण अभ्यास की हो गई विधियाँ।
अब यहाँ पर 19 प्रश्न हैं, अपने से छोटे के लिए कौन सा स्नेहपूर्ण चार शब्द प्रयोग करते हैं, तो जैसे प्रिय कह सकते हैं, प्रणय कह सकते हैं, प्रियतम कह सकते हैं, स्नेही, वल्लभ, इस तरह के जो प्रश्न, इस तरह के जो शब्द हैं वो छोटे से अपने से छोटों के स्नेह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अव्यय को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण सहित अव्यय को बताना है। तो अव्यय की आपको परिभाषा लिखनी है, वह शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन आदि के कारण बदलाव नहीं आता वह कहलाता है अव्यय। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कोई शब्द है ऐसा शब्द जो व्यय नहीं होता, वो हो गया अव्यय। तो यहाँ पर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जब, तब, अभी, तभी, ये सब क्या हैं, ये अव्यय हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, अनुनासिक ध्वनि युक्त चार शब्द लिखो। तो अनुनासिक ध्वनि युक्त चार शब्द जैसे गांव, कुआं और चांद और माँ, पहुँच, सांस, ये सब क्या हैं, ये अनुनासिक ध्वनि युक्त चार शब्द हो गए। अब प्रश्न संख्या है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, विच्छेद सही लिखो। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, इनको मैं दिखा देता हूँ, आ प्लस ई बराबर होगा ए, ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक होगा आ प्लस ए, ये होगा ए, ठीक, दो तो ये हो गए, और क्या होंगे, और देख लीजिए, आ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा ओ, ठीक है, ये तीसरा हो गया, आ प्लस ओ बराबर हो जाता है ओ। तो ये कुल मिलाकर चार संयुक्त स्वर होते हैं, चारों का हमने यहाँ पर विग्रह करके भी दिखा दिया। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगली है 23 नंबर, राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच में परिवर्तित करो। तो इसका कर्मवाच हो जाएगा, राम द्वारा रावण मारा गया। अगला यहाँ पर प्रश्न है, लिखना सिखाने की पद्धतियों को बताइए, लिखने सिखाने की कौन कौन सी पद्धति हो सकती है। तो लिखने सिखाने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक होती है सार्थक रेखाएँ खींचने की पद्धति, एक होती है रेखा का अनुसरण करने की पद्धति, एक होती है अनुलेख पद्धति, स्वतंत्र लेखन की पद्धति, रचनात्मक विधि की पद्धति, इस तरह की क्या होती है, ये सब एक तरीके से पद्धतियां हैं। अगला है, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए। तो पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का ये महत्व है कि इससे छात्रों में क्या होता है, एकाग्रता बनी रहती है, पाठ के प्रति रुचि बनी रहती है और छात्रों में अनुशासन का माहौल रहता है। अगला है, अग्नि के चार पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आग, ज्वाला, अनल, पावक, दहन, ये सब आप लिख सकते हैं। घटाने से क्या आशय है, घटाने की यानी परिभाषा लिखो। तो घटाने की परिभाषा हो सकती है कि जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या के अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, एक नंबर में, एक नंबर बस इतना लिख देंगे, आराम से मिल जाएगा। आगे देखो, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो संबोध निर्माण का चरण, जिन चरणों से संबोध का निर्माण हो तो वो उसके चरण कहलाते हैं। इनमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर शामिल किया जाता है, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर शामिल किया जाता है, इसमें समय, स्थिति, दूरी और गहराई का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, तभी हम किसी अन्य चीज़ की किसी और चीज़ में तुलना कर पाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसी संख्या के भाजक 9 हैं, भागफल 7 है और शेष फल 6 है, तो भाज्य क्या होगा, यानी ये बता रहे हैं कि आपका भाजक 9 दे रखा है, भागफल 7 है और शेष फल 6 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है जो भाज्य होगी। तो यहाँ पर अगर किसी ने निकाला तो इसका आंसर आएगा 69, यानी 69 इसका उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 30 है, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तो 71, 99, 25 पुस्तकें के लिए कितनी अलमारी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 71, 99, 25 में 725 से भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा 993 अलमारी। तो इसका सही उत्तर होगा 993 अलमारी। तो इस तरह आपने देखे, आपके सभी एक एक नंबर वाले प्रश्नों को यहाँ पर हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब बाकी के प्रश्न लेंदी होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, ये आप अपने आप से भी इसका समझ सकते हैं कि इसमें कितना आप सही करके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने मिला लिए होंगे, और दोस्तों आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।